धरने की साजिश दोहराने वालों को SEO समेत सबोताज करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 2014 में धरने की वजह से जिस तरह चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ, इसी तरह शंघाई तआवुन तंजीम को सबोताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाक पर दिन रात चढ़ाई की जाती है और 2014 में भी कई माडी चौक पर धरना दिया गया जो चीनी सदर का दौरा मुलतवी करने के लिए था। 2014 में दुश्मन के जो अजायम थे ये इसी का तसलसल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PTI ने इन मामलात को बिल्कुल संजीदा नहीं लिया। जहां धरने और जलाओ गहराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। मुल्क की जड़ें काटने के लिए साजिशें की जाती हैं और इस जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। उनको ये फिक्र खा रही है कि मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफसोस की बात है कि चीन को सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बावजूद कराची का वाकया हुआ जिसमें 2 चीनी इंजीनियर्स हलाक हुए। बेशाम वाकये के बाद भी चीन की तरफ से तशवीश का पैगाम मिला था और चीन को यकीन दिलाया था कि चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन जाकर यकीन दहानी कराई गई थी कि हुकूमत ने सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए हैं, लेकिन फिर भी कराची जैसा वाकया हुआ जो मुल्क के खिलाफ साजिश है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान बहुत कामयाब रहा है। हलाल गोश्त और चावल से मुतल्लक मलेशिया ने कमिटमेंट का इजहार किया। अब सऊदी अरब का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करने आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को SEO की बहुत सालों बाद मेहमान नवाजी का मौका मिल रहा है, लेकिन SEO के मौके पर चीनी दोस्तों को टारगेट किया गया ताकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात खराब किए जाएं। कबल अज़ीम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, जबकि SEO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। वफाकी काबीना को तमाम वजारतों में ई सिस्टम का निजाम लाने पर ब्रीफिंग भी दी जा रही है।